हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। सरकार ने पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट अकाउंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है और पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स और अदर स्कीम्स की नई ब्याज दरें भी लागू हो चुकी हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स की नई ब्याज दरें उनकी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर वॉच करें। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दरें अभी भी 4% ही हैं। और यदि बात करें पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने की, तो आपको बता दें कि कम से कम 500 रुपए जमा करके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवाया जा सकता है और उसके बाद इस अकाउंट में कितना भी पैसा जमा किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कम से कम 500 रुपए का बैलेंस रखना अनिवार्य होता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि 2 एडल्ट लोग मिलकर संयुक्त सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। और इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। और यदि किसी बच्चे के नाम पर या फिर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के नाम पर खाता खुलवाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में उनके अभिभावक खाता खोल सकते हैं। और 10 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा खुद अपने नाम से सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है और उसे संचालित कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की ब्याज दरें और उसकी डिटेल्स, यानी कि पोस्ट ऑफिस RD के बारे में। तो आपको बता दें कि सरकार ने पोस्ट ऑफिस की 5 साल की RD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के 5 साल के RD अकाउंट पर जो अभी तक आपको 6.5% का ब्याज मिलता था, उसे बढ़ाकर अब सरकार ने 6.7% कर दिया है। पोस्ट ऑफिस के RD अकाउंट में हर महीने बराबर बराबर किस्तें 5 साल तक जमा करनी होती हैं, क्योंकि फिलहाल पोस्ट ऑफिस में 5 साल की ही RD खुलवाई जा सकती है। पोस्ट ऑफिस के RD अकाउंट में आप 100 रुपए महीने की किस्त जमा करने का ऑप्शन चुन सकते हैं और इससे ज्यादा की किस्तें बनवाना चाहते हैं तो आप 10 के गुणांक में कितनी भी रकम की किस्त बनवा सकते हैं। 15 तारीख के पहले अकाउंट खुलवाने पर हर महीने 15 तारीख तक और 15 के बाद RD अकाउंट खुलवाने पर व्यक्ति के लिए महीने की अंतिम तारीख तक किस्त जमा कराना अनिवार्य होता है। और यदि बात करें लोन की, तो आपको बता दें कि 1 साल के बाद इसमें जमा किए गए पैसों के आधार पर लोन भी लिया जा सकता है। और यदि आप RD को बीच में बंद करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि अकाउंट खोलने के 3 साल के बाद आप कभी भी RD को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट खुलवाने के लिए योग्यता है पोस्ट ऑफिस FD यानी कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट के समान ही होती हैं। आइए अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी कि पोस्ट ऑफिस FD अकाउंट की नई ब्याज दरें और उसकी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो FD अकाउंट है, उसकी ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 वर्षीय टाइम डिपॉजिट अकाउंट की ब्याज दर अभी भी 6.9% ही है और 2 वर्षीय टाइम डिपॉजिट अकाउंट की ब्याज दर 7.0% है और 3 वर्षीय टाइम डिपॉजिट अकाउंट की भी ब्याज दर 7.0% ही है और 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट अकाउंट की ब्याज दर 7.5% है। यहाँ पर आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसे FD अकाउंट भी कहा जाता है, इसमें एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा किया जा सकता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। और जितने भी समय के लिए व्यक्ति इसमें पैसा जमा करता है, उसके अंत में ब्याज सहित उसे पैसा वापिस दे दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 साल से 3 साल तक की FD पर एक समान ब्याज दर होती है और 5 साल की FD पर ज्यादा ब्याज मिलता है। कम से कम 1,000 रुपए जमा कर टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी कि FD अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इससे अधिक 100 रुपए के गुणांक में कितनी भी रकम इसमें जमा की जा सकती है। 5 साल की FD पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी दी जाती है। कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस FD अकाउंट खुलवा सकता है। और यदि बात करें इसमें ज्वाइंट अकाउंट खोलने की, तो आपको बता दें कि 3 लोग मिलकर इसमें ज्वाइंट FD अकाउंट खुलवा सकते हैं। और यदि किसी मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के नाम पर या फिर बच्चे के नाम पर इसमें खाता खुलवाने की बात करें, तो उनके माता पिता या फिर कानूनी तौर पर जो उनके अभिभावक हैं, वो खाता खोल सकते हैं और उसे संचालित कर सकते हैं। और कोई भी 10 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा पोस्ट ऑफिस FD अकाउंट अपने नाम से खोल सकता है और उसे संचालित कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट की ब्याज दरें और उसकी डिटेल्स। तो आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस MIS यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट की ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी कि अभी भी इसकी ब्याज दर 7.4% ही है। अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में पैसा जमा करने की, तो आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में एकमुश्त पैसा जमा किया जा सकता है और उसके बदले में व्यक्ति को हर महीने ब्याज के रूप में आमदनी मिलती है, यानी कि व्यक्ति के सेविंग अकाउंट में हर महीने पैसा पहुंच जाता है। इसमें व्यक्ति को 5 साल के लिए पैसा जमा रखना होता है, यानी कि इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है और जो इसमें व्यक्ति ने शुरू में रकम जमा की होती है, उसे मैच्योरिटी पर पूरी की पूरी वापस मिल जाती है।
और यदि व्यक्ति इस अकाउंट को बंद करवाना चाहे तो 1 साल के बाद वो बंद करवा सकता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक अपना पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम अकाउंट खुलवा सकता है। और यदि बात करें ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की तो इसमें 3 लोग मिलकर अपना ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि किसी बच्चे के नाम पर या फिर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के नाम पर इसमें खाता खुलवाने की बात करें तो उनके अभिभावक उनका खाता खुलवाकर उसे संचालित कर सकते हैं। 10 साल से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अपने नाम से खाता खुलवाकर उसे संचालित कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स अकाउंट की ब्याज दरें और उसकी डिटेल्स। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट की ब्याज दरें अभी भी 8.2% ही है। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट सिर्फ 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन लोगों के लिए जमा योजना है। इसमें एक मुश्त पैसा जमा कर 5 साल के लिए अकाउंट खुलवाया जा सकता है और उसके बाद हर 3 महीने में इसमें खाता खुलवाने वाले वरिष्ठ नागरिक को ब्याज के रूप में आमदनी प्राप्त होती है। इसमें मैच्योरिटी के बाद जमा की गई व्यक्ति की रकम पूरी की पूरी उसे वापस दे दी जाती है। किसी भी वरिष्ठ नागरिक के द्वारा कम से कम 1,000 रुपए जमा कर पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसमें जमा पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। 1 साल के बाद जब भी व्यक्ति खाता बंद करवाना चाहे तो बंद करवा सकते हैं, परंतु उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि उन्हें खाता बंद करवाने पर ब्याज कम मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी 60 साल से अधिक उम्र का भारतीय नागरिक इसमें अपना खाता खोल सकता है, परंतु BRS लेकर नौकरी छोड़ने वाला या फिर रिटायरमेंट के पहले पेंशन लेने वाले कर्मचारी जिनकी उम्र 55 साल की है वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। और यदि कोई रक्षा कर्मचारी है तो आवश्यक शर्तें पूरी करने पर 50 साल की उम्र में अपना पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खाता खुलवा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की ब्याज दरें और उसकी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी कि जिसे PPF भी कहा जाता है उसकी ब्याज दरों में भी कोई बढ़ोतरी फिलहाल नहीं की गई है, यानी कि इसकी ब्याज दरें अभी भी 7.1% ही है। अब यदि बात करें PPF अकाउंट में पैसा जमा करने की तो आपको बता दें कि PPF अकाउंट में 15 साल तक पैसा जमा करना होता है। कम से कम 500 रुपए जमा कर PPF खाता खोला जा सकता है और उसके बाद फिर हर साल 500 रुपए कम से कम इसमें जमा करना अनिवार्य होता है। परंतु आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए से अधिक इसमें जमा नहीं किया जा सकता। नए रूल्स के मुताबिक किस्तें कभी भी और कितनी भी जमा की जा सकती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने इस अकाउंट को आगे बढ़वाना चाहता है तो 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद 5-5 साल के लिए अकाउंट को आगे बढ़वा सकता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इसकी जमा पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है, और इतना ही नहीं ब्याज और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होती है। इसकी खास बात यह है कि अनिवार्य जरूरतों पर तीसरा फाइनेंशियल ईयर पूरा होने से लोन और 7वें वर्ष से पैसा निकालने की सुविधा इसमें व्यक्ति को दी जाती है। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि PPF अकाउंट एक व्यक्ति के नाम पर एक ही खुलवाया जा सकता है और ज्वाइंट PPF अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं दी जाती है, परंतु अपने बच्चे के अकाउंट में अभिभावक बनाया जा सकता है। ऐसा करने पर भी बच्चे और अभिभावक दोनों के अकाउंट में मिलाकर भी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा सालाना जमा करने की अनुमति इसमें नहीं मिलती है। आइए अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें और उसकी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें अभी भी 8.0% ही है। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों की सुरक्षा और आर्थिक मदद के लिए बनाई गई एक स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट 21 साल तक चलता है, लेकिन पैसा सिर्फ शुरुआत के 15 साल तक ही जमा करना पड़ता है। 21 साल बाद कुल जमा और ब्याज मिलाकर वापस मिल जाता है। इसमें अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 250 रुपए महीना जमा करने की जरूरत होती है। उसके बाद हर साल कम से कम इसमें 250 रुपए जमा करना अनिवार्य है। इसमें 1 साल के भीतर 1,50,000 रुपए से ज्यादा जमा करने की अनुमति नहीं मिलती है, परंतु साल में कभी भी कितनी भी बार पैसा इसमें जमा किया जा सकता है। 18 साल की उम्र पूरी होने पर कुछ विशेष जरूरतों पर बैलेंस का 50% पैसा निकालने की सुविधा इसमें मिलती है। 18 साल के बाद शादी होने पर पूरा पैसा निकाला जा सकता है। अब यदि बात करें इसमें बच्चे के नाम पर खाता खुलवाने की तो आपको बता दें कि 10वें जन्मदिन के पहले बच्चे के 9 साल पूरा होने तक बच्चे के माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चियों के नाम पर यह खाता खुलवाया जा सकता है। दूसरी लड़की जुड़वा होने पर तीसरी बच्ची के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की अनुमति मिलती है। यदि किसी के द्वारा बच्ची को गोद लिया गया है तो ऐसी बच्ची की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके नाम पर भी सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया जा सकता है।
आइए अब जान लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC की ब्याज दरें और डिटेल्स। तो आपको बता दें कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ब्याज दरें अभी भी बिना किसी बदलाव के 7.7% ही है। NSC स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें पैसा जमा कर आप इसे खरीद सकते हैं। ये एक तरीके का बचत पत्र है जो कि 5 साल के लिए होता है। मैच्योरिटी के बाद इन्हें भुनाने पर ब्याज सहित पैसा वापस मिल जाता है। 1 जुलाई 2016 से इन्हें सर्टिफिकेट की बजाय पासबुक के रूप में भी जारी किया जाने लग गया था। NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 1,000 रूपए जमा किए जा सकते हैं और अधिकतम जमा की कोई भी सीमा नहीं है। इसमें जमा पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। इतना ही नहीं, ब्याज के हर साल खाते में जमा हो जाने के कारण सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। कोई भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकता है। यदि कोई मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के नाम पर या फिर बच्चे के नाम पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदना चाहते हैं तो उनके अभिभावक ऐसा कर सकते हैं। 10 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अपने नाम से खरीद सकता है। आइए अब जान लेते हैं किसान विकास पत्र यानी कि KVP की ब्याज दरें और उसकी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बिना किसी भी बदलाव के किसान विकास पत्र की ब्याज दरें अभी भी 7.5% ही है। किसान विकास पत्र भी एक प्रकार का बचत पत्र ही होता है। इसमें जमा किया गया पैसा एक निश्चित अवधि में दोगुना होकर इस पत्र को खरीदे गए व्यक्ति को वापस मिल जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस पत्र को अब पासबुक के रूप में भी जारी किया जा सकता है। और यदि बात करें इस पत्र को खरीदने की तो कोई भी भारतीय नागरिक किसान विकास पत्र खरीद सकता है। किसी बच्चे के लिए अभिभावक के द्वारा किसान विकास पत्र खरीदा जा सकता है और 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा खुद अपने लिए किसान विकास पत्र खरीद सकता है। ये थी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और ऑल स्कीम्स की ब्याज दरें और उनकी डिटेल्स। तो फ्रेंड, 1 अक्टूबर 2023 से पोस्ट ऑफिस की ये ब्याज दरें लागू हो चुकी हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।